अलवर शहर के तुलाराम चौराहे पर 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलसा राम की जयंती पर समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेखक व विचारक डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव रहे। उन्होंने तुलाराम के जीवन पर प्रकाश डाला व कार्यों को याद किया। नई पीढ़ी को उनके आदर्श पर चलने व जीवन से प्रेरणा का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला यादव महासभा के प्रवक्ता व समाज सेवी दहिया एस आर, जिन्होंने राव तुलसा राम के नसीब पर युद्ध का काबुल में गठन की गई आज़ादी के हिंद फौज के साथ ही अन्य संघर्षों पर विचार व्यक्त किए गए, आज़ादी के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राज्यपाल रहे। उन्होंने भी विचार गोष्ठी में आज़ादी के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समाज सेवी शिवलाल यादव, समिति के सचिव डॉक्टर विजयपाल यादव, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन अलवर किशन लाल सखेरोलिया, कवि दिलीप यादव, सुशील पाल यादव, योगेश यादव, दीपक यादव, मंजीत यादव, वेद यादव, प्रदीप यादव, सनी यादव, विजय हॉस्पिटल के डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर धराजेंद्र यादव। कार्यक्रम का डॉक्टर संचालन विजयपाल यादव ने किया। मैं किशनलाल खनालिया, आज 9 दिसंबर को हम राव तुलाराम सर्किल अलवर में राव तुलाराम जी की जयंती मना रहे हैं। राव तुलाराम जी 1857 की स्वतंत्रता लड़ाई के महानायक थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और हमको जागरूक कर गए और भारत की आज़ादी में का बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। जय भारत, जय राव भीमराव, जय राव तुलाराम। धन्यवाद जी। आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम जी की जयंती के अवसर पर राव तुलाराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक माइल डेवलप किया था, उसी प्रेरणा से हम कार्य करते रहे। इस अवसर पर हम साथ ही साथ कल जो हमारे सीनियर बिपिन रावत जी जो सफलता की है उन्होंने, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको भी नमन करते हैं। उनके साथ जो भी हमारे वीर शहीद जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी आज देश के फ्रीडम फाइटर, देश की आज़ादी दिलाने वाले महानायक शहीद राव तुलाराम का आज जन्म शताब्दी है। आज के दिन 1825 के अंदर वो यहाँ उनका रेवाड़ी के पास एक रामपुरा गांव के अंदर जन्म हुआ और एक बहुत बड़े शासक बने। ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ाई करने के लिए उसकी नीतियों से खिलाफ उनकी बचपन से ही आवाज़ रही। बड़े होकर के अल्प आयु के अंदर ही उन्होंने शासन संभाला और पूरे अहिरवाल क्षेत्र सर्व जातियों को सर्व धर्म को साथ लेकर के चले और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो एक गदर हुआ जो 1857 वाला जिसको हम क्रांति गदर कहते हैं उसके अंदर महान योगदान दिया। उन्होंने अन्य रियासतों के राजाओं के साथ, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जैसे झांसी रानी दादा डोबे, इन सभी के साथ मिलकर के देश की लड़ाई के आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी श्रेणी में रहे। आज पूरा देश, सर्व समाज, सर्व धर्म के लोग, सभी लोग उनको याद कर रहे हैं और युवा पीढ़ी से मैं निवेदन कर रहा हूँ ऐसे महान क्रांतिकारी के जो रास्ते हैं उन पर चलने की कोशिश करें। देश के लिए जो महान नेता शहीद बलिदान हुए उस भावना के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हमारे यादव समाज, सर्व समाज वहाँ उनकी आइडल के ऊपर राव तुलाराम चौराहे के ऊपर उनको श्रद्धा सुमन करने आए हैं और हम सभी उनको सदैव याद करें। आज राव तुलाराम जी की जयंती मनाई जा रही है।
ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि जिन लोगों ने भारत देश को आज़ादी दिलाई लोगों को याद किया जाता है, तथा यादव समाज के होने के नाते हमारे पूरा दुख महसूस कर रहे हैं कि यादवों ने आंदोलन में पूरा सहयोग किया तथा भारत माता को आज़ाद करा। इसके साथ मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस आज़ादी को हमारे कराने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनको हम आगे उसको बिल्कुल यथावत बढ़ा के आगे चले, विकास करें देश का, देश के लिए काम करें। आज आप देख रहे हो लोग देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद है। शहीदों के लिए बहुत दुखद की बात है कि लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। बस मेरा तो एक ही निवेदन है कि लोग देश के लिए काम करें। जय।